morning to all. Welcome to my class in standard 6 English 2. Okay, so let's continue. Unit number 11, kinds of pronouns. Okay, so in the last video, in this chapter, we learned about two kinds of the pronouns. First one was personal pronouns and second one was reflexive pronouns. Okay, and also learned what is pronoun. Kya hai? Pronoun is a word that is used instead of a noun. Okay. So to avoid the repetition of the noun in the paragraph in the sentences, we use pronouns instead of the noun. Okay. So let's continue by reading the kinds of pronouns. Thank you.
क्या बोलेंगे? जो एम्फेसाइज करने के लिए यूज हुए हो ऐसे प्रोनाउंस को हम एम्फेटिक प्रोनाउंस बोलेंगे. सो राइट दिस इन योर बुक. Difference between a reflexive pronoun and an emphatic pronoun is that we use a reflexive pronoun reflective pronoun comes after the verb
जब भी वोट भी जो रूज है वो जब भी इमीडिएटली नाउन के बिफोर अगर यूज होते हैं, है ना, नाउन के तुरंत पहले अगर ये जो वर्ड्स है वो यूज हो तो वो होंगे एडजेक्टिव्स, है ना। एडजेक्टिव है वो क्या होते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो जब वो ये जो वर्ड्स है वो नाउन के बिफोर यूज हुए हो तो ये एडजेक्टिव है, और विदाउट नाउन अगर यूज हुए हैं क्वेश्चन पूछने के लिए तो वो प्रोनाउंस है। ओके, कैसे, जैसे कि हुज बॉस इज दिस, कौन सी गर्ल ने प्राइज जीती कि थर्ड है, हुज इज दिस हाउस, ओके, तो यहां पे क्या है, हुज। सो ऑल दिस वर्ड्स वोट बीच एंड हुज
यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। सीता इज स्टार सिंग, सीता लुक्स वेरी प्रीटी, रेशमा गेट सीता गिफ्ट फॉर सीता स्टार्स, रेशमा आल्सो वॉच्ड सीता स्टार्स। ओके, तो यहाँ पे जो नाउन है सीता वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रेशमा जो नाउन है वो भी रिपीट हो रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीता इज डांसिंग, यहाँ पे सीता है वो सब्जेक्ट के प्लेस में। दूसरे सेंटेंस में सीता लुक्स वेरी प्रीटी, तो इसमें भी सीता है वो सब्जेक्ट के प्लेस में, ये सब्जेक्ट है, विभाग है ना। लेकिन इसमें हम देखें तो रेशमा गेव सीता गिफ्ट फॉर हर डांस, तो यहाँ पे रेशमा सब्जेक्ट में रेशमा है, तो सीता है वो कौन से प्लेस में है, ऑब्जेक्ट के प्लेस में। तो यहाँ पे जो नाउन है उसका फॉर्म है वो चेंज हो गया, पहले वो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट पोजीशन थी ये नाउन की, अब वो नाउन की पोजीशन है वो बदल गई, ऑब्जेक्ट पोजीशन हो गई। ओके, फिर देखो तो यहाँ पे सीता स्टार्स, तो यहाँ पे सीता का डांस पजेसिव फॉर्म हो गया है ना, उसको पजेसिव फॉर्म बोलते हैं सीता का डांस। अब फिर से रेशमा है, इसमें तो रेशमा है वो सब्जेक्ट की पोजीशन में ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। फिर से हम देखें तो सीता सीता स्टार्स, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, सीता मीन्स पजेसिव फॉर्म हो गया। ओके, तो एक जो नाउन है वो अलग अलग पोजीशन पे सेंटेंस के अंदर हो सकता है। तो हमने आगे जब भी जो भी प्रोनाउंस देखे वो क्या थे, आई वी यू ही सी ई दे, ये जो सभी है वो हम उसको सब्जेक्ट की पोजीशन पे ही यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी नाउन है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में हो या उसका पजेसिव फॉर्म में हो तो उसका हमें प्रोनाउन भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम सी है यहाँ पे सीता के लिए सी यूज करें, तो सी ही सभी जगह पे हम सी नहीं लिख सकते, जैसे पोजीशन चेंज होगी वैसे प्रोनाउन भी उसका फॉर्म है वो चेंज करेगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पे चेंज करें सीता के बदले, तो पहले सीता इज डांसिंग, फिर से जब भी वही नाम रिपीट होगा तो हम नाम के बदले प्रोनाउन यूज करेंगे, तो यहाँ पे सीता है वो सब्जेक्ट के पोजीशन पे है तो उसका सी ही रहेगा, सी लुक्स वेरी प्रीटी। अब दूसरा सेंटेंस है रेशमा गेव सीता गिफ्ट, यहाँ पे तो सीता है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में है तो सी का हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म करना पड़ेगा, तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा हर। ओके, फॉर सीता स्टार्स, अब हमें सीता का मींस की सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर किया, वैसे ही हमें सी का पजेसिव फॉर्म भी यहाँ पे करना है, लिखना है। सो यहाँ पे सीता स्टार्स की जगह पे उसका पजेसिव फॉर्म भी हर ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पजेसिव फॉर्म दोनों सेम रहे, कुछ प्रोनाउंस में चेंज भी रहेगा, ऐसा नहीं कि सभी में सेम रहे। अब फिर से रेशमा आया तो रेशमा के लिए हम सब्जेक्ट की पोजीशन में है इसलिए सी ही लिखेंगे, सी ऑल्सो वुड, फिर से सीता स्टार्स पजेसिव फॉर्म लिखना है, सीता का पजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हर डांस। ओके, तो ऐसे हम टेबल लिखेंगे जो हमें सब फॉर्म्स है वो भी शो करता। ओके, तो सीता इज डांसिंग, सी लुक्स वेरी प्रीटी, रेशमा गेव हर गिफ्ट फॉर अ डांस, सी ऑल्सो वॉच्ड हर डांस। ओके, सो हियर इज आई हैव ड्रॉन अ टेबल, यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे सब्जेक्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट पोजीशन और पजेसिव फॉर्म हम लिखेंगे। फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल, सेकंड है सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल। ओके, सब्जेक्ट फॉर्म सब्जेक्ट पोजीशन तो हमने ऑलरेडी देखे हुए है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आएगा आई, सेकंड पर फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आएगा वी। अब आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा मी और पजेसिव फॉर्म होगा माई। ओके, वैसे ही बी का ऑब्जेक्टिव होगा अस और पजेसिव होगा आ और यू आर आ। सेकंड पर्सन सिंगुलर में आपको पता ही है यू है, प्लूरल में बी यू है,
okay? We will first or second person. Third person singular में आएगा he, she और he. और plural में they आएगा, okay? Now he का हमें adjective form लिखना है तो होगा he और possessive form होगा his. वैसे ही सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा हर और पजेसिव फॉर्म भी हर रहेगा, वो हमने अभी एग्जांपल में भी देखा, हर ही रहेगा. ई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ईट ही रहेगा, पजेसिव फॉर्म हो जाएगा इट्स. और दे का ऑब्जेक्ट होगा देम और पजेसिव होगा देम, ईएच ई आई आर. ओके, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट पोजीशन, सॉरी सभी सब्जेक्ट की पोजीशन में हम देखें तो आई मी यू यू ही सी इट दे. सभी की ऑब्जेक्ट पोजीशन देखें तो मी अस यू यू ही हर इट और दे. और पजेसिव फॉर्म देखें तो माय आर योर योर हिज हर इट्स और दे. तो यहाँ तक हमने जो लर्न किया वो पूरी थियोरी जो है, एक्सप्लेनेशन है कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस कौन से हैं, वो हमने कंप्लीट किया. अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे. सो जो कुछ भी थियरी आपने लर्न की है वो रीड करके रखना. नेक्स्ट वीडियो में हम जब भी मिलेंगे तब एक्सरसाइज में आप लोग को यूटिलाइज करना है, यूज करना है. ओके, सो राइट दिस टेबल ऑल इन योर बुक. अगर ये पूरा टेबल आप माइंड में याद रख लोगे तो आपको सब इजी हो जाएगा. ठीक, सब कुछ बोलना है अगर आपको इंग्लिश में यूज करने हैं प्रोनाउंस या तो फिर एक्सरसाइज करनी है तो वो सब इजी रहेगा. ये पूरा टेबल है तो आप अपने माइंड में याद कर लो. Thank you.